आइए आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रणाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। आपने बताया कि बच्चा जब रोने लगता है, छोटा बच्चा, तो माँ बाप उसको एक मोबाइल हाथ में पकड़ देंगे और मोबाइल पकड़ा दिया वो खेलता रहता है, बच्चा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जब जब माँ बाप को ऐसा चाहिए कि बच्चे ने चिल्लाना चिखना नहीं है, शोर करना नहीं है, मशगूल रहना है अपने इसमें, तो एक मोबाइल पकड़ा दो। मगर होना क्या है अभी कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान जो है, इलेक्ट्रॉनिक ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए फिर वो वीडियो गेम्स रहो, इंटरनेट है, फिर फेसबुक व्हाट्सएप पे मतलब स्मार्टफोन पे लोग खेलते रहते हैं, अलग अलग गेम्स है, पबजी जैसे उसके ऊपर बच्चे हैं, अलग अलग ये लैपटॉप होंगे या टैबलेट होंगी तो इसके ऊपर बच्चे खेलते रहते हैं और उसका एडिक्शन हो चुका है। फिर ये समस्या भी गंभीर होती जा रही है। इससे होता क्या है, एक तो बच्चा अकेला अकेला रहना चालू कर देता है, लोगों से मिलने जुलने का उसका प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब वो अकेला पसंद करता है, लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छे लगता नहीं। नंबर दो, वो समाज से टूटे जा रहा है, समाज से, समाज में ज्यादा आता नहीं है तो समाज से टूट रहा है। आक्रमक बच्चा होते जा रहा है, बहुत ज्यादा आक्रमक हो जाता है, उसको संकेत दिया नहीं है तो आक्रमक बन जाएगा, वो चिल्लाएगा चीखेगा। ऐसे तो मैंने देखे बच्चे, जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं उनके पास में बच्चे रहते हैं, माँ बाप ने फोन दिया, चिल्लाएंगे चीखेंगे जोर जोर से कुछ से, मतलब मेरे पास में तो एक दो पेशेंट ऐसे एडमिट हुए कि उन्होंने तो मतलब फोन दिया नहीं तो उन्हें घर की सारी चीजें तोड़फोड़ कर दिया, फोन दिया नहीं करके, इतना टीवी फोड़ दिया, तो ऐसा मतलब बच्चे करते रहते हैं। तो ये समझ जाना कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है अभी, और ये बच्चों को अभी इसके साथ साथ ओबेसिटी बच्चों को बढ़ रही है, मोटे मोटापा हो रहा है बच्चों को, अकेला रहना चलना। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का ये एडिक्शन हो रहा है क्या, बच्चा स्कूल में टाइम पे जा रहा है कि लेट हो रहा है, ट्यूशन पे टाइम पे जा रहा है कि लेट हो रहा है, खाना खाने में जल्दी टाइम पे आता है कि खाना खाने को लेट आता है या टाइम लगाता है, या खाना बराबर खा नहीं रहा है, अकेला अकेला रहना पसंद करता है, कुछ तो भी खेलना चालू रखता है उसका खुद, अकेला अपने कमरे में ज्यादा तक रहेगा बंद या लेट सोते रहता है। देखना पड़ेगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसके जरिए वो एडिक्ट हो रहा है क्या, इसके लिए करना क्या है। इसके लिए आपको चार पांच चीजें अभी बता रहा हूं मैं, वो करना चाहिए। नंबर एक कि ये जो है तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है, तो इसका वापर जो है वो एक फिक्स टाइम पे करने के लिए बच्चों को बोलना चाहिए, फिक्स टाइम पे करो, एक टाइम आप लगा दो कि भाई रात को 7 से 8 है या सुबह 7 से 8 है, जो भी टाइम होगा हो तो ये टाइम पे ही इसका वापर बच्चे करेंगे, अन्यथा नहीं, ये पक्का। क्योंकि फिर क्या होगा, 24 घंटे कभी भी बच्चे वापर रहे स्मार्टफोन और खेलते जा रहे और माँ बाप को लगा कि ये खटखट नहीं होना, चलो ले लो हाथ में मोबाइल, तो ऐसा होगा नहीं, तो ये जरूरी है कि वो फिक्स टाइम। नंबर दो, ये टेक्नोलॉजी विरहित जोन, मतलब ऐसा है कि डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग रूम है, वो है, बेडरूम है, कि भाई ये जगह पे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई वापर करेगा नहीं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कोई लाएगा नहीं, ये फ्री जोन रहेगा। ये तीसरा मतलब ये जो है डिजिटल डिटॉक्स, मतलब ये डिजिटल मीडिया है ये पूरी, इसका डिटॉक्स मतलब है कि कुछ घंटे दिन के सभी लोग घर में के इसका वापर करेंगे नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, तो ये हो सकता है उस समय कोई वापरेगा नहीं फोन, एकदम वो समय ऐसा रहेगा कि उस समय वापरेंगे ही नहीं। तो नेक्स्ट, बच्चों को ये देखना है कि भाई मतलब बच्चे ऐसा कर रहे हैं, माँ बाप ने ये देखना, मतलब माँ बाप को देखना पड़ेगा कि उनको इसका ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा, मालूम ही नहीं कि बच्चा एडिक्ट हो रहा है, तो माँ बाप को ये जो सभी चीजें है, ये जो मीडिया है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि भाई क्या है फेसबुक, क्या है व्हाट्सएप, क्या हो रहा है यूट्यूब पे, क्या देख रहा है बच्चा, कौन सी फिल्म देख रहा है बच्चा, टैबलेट का वापर कर रहा है क्या, उसके पास में लैपटॉप है क्या या डेस्कटॉप के ऊपर खेल रहा है क्या, मतलब क्या कर रहा है, उसका टाइम कैसे जा रहा है, माँ बाप को मालूम होना चाहिए वो क्या कर रहा है, माँ बाप को ये मालूम होना चाहिए चीजें क्या क्या हैंडल कर रहा हो, तो जरूरी है। और नेक्स्ट, माँ बाप ने खुद ने एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, माँ बाप भी खुद 4-4 घंटे 3-3 घंटे जो मोबाइल पर खेल रहे तो बच्चा तो देख ही रहा है, फिर भी ऐसा हो जाएगा, यदि ये करेंगे तो प्रॉब्लम होते जाएगा। फिर माँ बाप को देखना है कि बच्चों को कुछ अच्छे एडिक्शन मतलब कैसा, गार्डनिंग है, बागकाम, फिर पढ़ने की आदत डालना है बच्चों को, एक्सरसाइज की आदत, फिर टीम गेम्स जो है, क्रिकेट जैसे, फुटबॉल है, हॉकी है, ऐसे टीम में खेले जाए ऐसे जो गेम्स है, ताकि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन उसका होगा तो वो उसमें उसको इंटरेस्ट डेवलप करना, और बच्चा यदि उसका माइंड यदि डाइवर्टेड है
बाकी जगह जहाँ से उसको अच्छा कोई डेवलपमेंट हो सकता है तो ये गेम खेलेगा नहीं या गेम के एडिक्शन में जाएगा नहीं। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा आगे आने वाला एक सुदृढ़ नागरिक हो जाएगा। आपको अच्छा लगा तो सभी पेरेंट्स लोगों को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स अभी सफ़र कर रहे हैं, उनको ये समस्या है कि बच्चों को इससे दूर कैसे रखें। तो वीडियो उनके जरूर काम में आएगा। तो आपके ग्रुप में जितने भी पेरेंट्स होंगे उनको वीडियो शेयर करो। आपने वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।